चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही गोदी मीडिया ने चुनावों पर अपना सर्वे भी जारी कर दिया है, जिसमें भाजपा की करारी हार साफ दिखाई दे रही है। 5 में से 4 राज्य भाजपा के हाथ से निकलकर कांग्रेस के पल्ले में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी 2024 के विधानसभा इलेक्शन में इससे फायदा होगा? क्या कांग्रेस पार्टी फाइनल मैच से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में खुद की जगह बना लेगी? गोदी मीडिया के सर्वे में जिस तरह से चुनावों के रिजल्ट का अनुमान लगाया जा रहा है, अगर वो सच हो जाता है तो क्या डबल इंजन की सरकार कही जाने वाली भाजपा को 2024 के मैच से पहले ही ऑल आउट का सामना करना पड़ेगा? इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। यूं तो मध्य प्रदेश में दशकों तक भाजपा की सरकार रही है, लेकिन क्या आपको 2018 की वो तारीख याद है? कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सत्ता पर वापसी की थी और भाजपा को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन 15 महीने बाद ही बीजेपी ने सरकार को तोड़कर सालों से कांग्रेस के वफादार रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से वापस सत्ता हथिया ली थी और कमलराज सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। राजस्थान में पिछले 30 सालों से एक चीज जो सबसे दिलचस्प होती आ रही है वो है यहाँ पर विधानसभा चुनाव में राज बदलता रहता है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या जनता धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा को जिताती है या फिर विकास के नाम पर वोट देगी। जो गोदी मीडिया भाजपा को चुनावी सर्वों में बढ़ा चढ़ाकर सीटें दिखाती है, इस बार तो उसके द्वारा जारी सर्वे में इस भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन राजस्थान में भाजपा को बढ़त मिल रही है। इसके अलावा 4 बाकी राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। इसके अलावा मिजोरम में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं नजर आ रहा। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस फिर से एक बार बीजेपी का दशकों से चला रहा शासन खत्म कर देगी या फिर से विपक्ष की भूमिका निभाएगी? आपको बता दें कि इस साल राज्य की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। सबसे पहले 7 नवंबर को मिजोरम में चुनाव होंगे। इस राज्य में 40 विधानसभा सीटें हैं जिन पर एक चरण में ही मतदान किए जाएंगे। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को खत्म होगा। फिलहाल इस पूर्वोत्तर राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट अभी सत्ता में है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान किए जाएंगे। ये मतदान 7 और 17 नवंबर को कराए जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला 3 दिसंबर को किया जाएगा। नक्सल प्रभावित कुछ क्षेत्रों में चलते संवेदनशील माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर मतदान होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहीं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा। इस पूरे राज्य में एक ही चरण में मतदान किया जाएगा। राजस्थान की सत्ता की चाबी किसके पास जाएगी इसका फैसला 3 दिसंबर को किया जाएगा। फिलहाल राज्य में कांग्रेस की सरकार है, एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा और इसके नतीजे 3 दिसंबर को बताए जाएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान इसके मुख्यमंत्री हैं। 5 राज्यों के चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है। सबसे लास्ट में तेलंगाना में चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 30 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। तेलंगाना में फिलहाल भारत राज समिति की सरकार है। इन सभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को बताए जाएंगे। 5 में से 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हिंदी पट्टी के हैं। यहाँ केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। चुनाव मैदान में दूसरे दल भी हैं, लेकिन असल लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच मानी जा रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है। चुनाव को लेकर सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर जेपी नड्डा ने लिखा कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की घोषणा का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत के सभी राज्यों में सरकार बनाएगी
और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर लिखते हुए दावा किया कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी की विदाई की घोषणा भी हो गई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के पास जाएगी। जन कल्याण, समाज न्याय और प्रगतिशील विकास की कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। खैर, किस पार्टी को कितनी वोट मिलेगी ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन चुनावों और बाकी तमाम खबरों की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।